हिसार जिला राज्य को ग्रीन जोन में शामिल कर लिया गया है। इससे हिसार वासियों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ देर बाद ही हिसार के लिए चिंताजनक खबरें आने लगी। पहले जिला में एक और फिर दूसरा केस कोरोना पॉजिटिव कंफर्म हो गया। इस बार चिंता की बात अधिक है, क्योंकि दोनों केस बिना लक्षण वाले कोरोना के थे। मतलब कि अब हिसार में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने लगे हैं। पहले कोरोना पॉजिटिव आदमपुर के पास गांव दड़ोली का युवक है, जो कि 3 दिन पहले ही गाजियाबाद से लौटा था। 29 वर्षीय ये युवक गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट की कंपनी में काम करता था। इस युवक के पॉजिटिव आने के बाद अब उस सब्जी विक्रेता मोटरसाइकिल वाले की तलाश अहम हो गई है, जिसने उसे जिंदल चौक हिसार से कैंप चौक हिसार तक लिफ्ट दी थी। गांव जाने से पहले कुम्हारन मोहल्ला में अपने एक रिश्तेदार के यहां भी गया था। अब स्वास्थ्य विभाग ने दड़ोली गांव को सील कर दिया है और उसके परिजनों व रिश्तेदारों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरा पॉजिटिव डीसी कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति है। यह मरीज डीसी कॉलोनी निवासी उस स्वर्गीय व्यक्ति का भाई है, जिसे पहले कोरोना बीमारी हुई थी, लेकिन बाद में कोरोना मुक्त होने के बावजूद अन्य बीमारियों से उसकी मृत्यु हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने इस व्यक्ति के कई परिजनों को अस्पताल में ही क्वारंटाइन कर दिया है। चिंता की बात यह है कि 14 दिन पहले भी जब उक्त व्यक्ति का सैंपल लिया गया था तो उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, मगर अब फिर से सैंपल लिया गया तो रविवार को पता चला कि मृतक के भाई को भी कोरोना है। वहीं अब प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग के अन्य परिवार के लोगों को भी संक्रमण हो सकता है। दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल में भर्ती करवाया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया के अनुसार ये चिंता का विषय है कि अब हिसार में ऐसे कोविड-19 मरीज सामने आने लगे हैं जिसमें बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। एक तो गाजियाबाद से एक लड़का ट्रांसपोर्ट में काम करता था, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही यहाँ हिसार में पहुँचा है और पहले जिंदल चौक पे वो रुका है, उसके बाद वो किसी के साथ बैठ के सब्जी मंडी में गया, फिर उसकी मौसी रहती यहाँ कुम्हारा मोहल्ला में, वहाँ गया, वहाँ रात को रुका है उसने। 10-11 आदमी कॉन्टेक्ट में आया है वो, और उसके बाद वो फिर गांव में गया, वहाँ गांव के सरपंच ने हमें इन्फॉर्म किया, फिर उसकी हमने सैंपल लिए। 2 बार उसके सैंपल लिए और दोनों बार उसका सस्पिशियस था, तो फिर सेकेंड टाइम उसका सैंपल पॉजिटिव आ गया क्लियर। फिर उसको हमने उठा के और आइसोलेट में डाल दिया वहाँ अग्रवा मेडिकल में, उसका इलाज चल रहा है। दूसरा मामला डीसी कॉलोनी में आया, जो मृतक जो डीसी कॉलोनी के थे उनके ही ब्रदर बताए जा रहे हैं, तो क्या जी कहाँ से उनको मतलब वायरस ये के संपर्क में आया, क्योंकि जो मृतक थे उनको नेगेटिव रिपोर्ट उनकी आई थी, तो इसके बावजूद कैसे ये सैंपल? मृतक की पहली रिपोर्ट नेगेटिव थी, उसके बाद फिर जो रिपोर्ट आई थी जो गुड़गांव जाने के बाद वो पॉजिटिव आई थी, तो उसके हमें तो यही लगता है इनको कॉन्टेक्ट में होगा कहीं ना कहीं, और उसके बाद हमने इनके टेस्ट कराए थे वो नेगेटिव थे। अब 14 दिन के बाद हमारा जो क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होने के बाद हमने संस्कार के बाद इनके सभी रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट करवाए हैं, तो उसमें फिर ये पॉजिटिव आ गया, इस वजह से हमने इनको अब अग्रवा शिफ्ट कर दिया है, वहाँ इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी जो घर वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर देंगे। तो बताया जा रहा है डॉक्टर साहब कि एसिम्प्टोमेटिक जो है केसेस दोनों जो है एसिम्प्टोमेटिक है, दोनों एसिम्प्टोमेटिक है, इनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन अब हमारी जो सेंट्रल हेल्थ टीम है उसका ये कहना है कि 69% जो केस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक ही आ रहे हैं। जितने भी हमारे कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो उसमें 69% एसिम्प्टोमेटिक हिस्ट्री आ रही है सबकी। क्या कारण लगता है कि एसिम्प्टोमेटिक जो आ रहे हैं, किस वजह से, क्या प्रारूप जो है वायरस ने अपना बदल लिया? ये ड्रॉपलेट के रूप में फैलता है, हो सकता है ये बाई एयर फैल और ड्रॉपलेट के थ्रू। तो इसमें अभी क्या लगता है कि जैसे कुछ मरीज ऐसे भी आ रहे हैं कि पहले नेगेटिव आ रही है रिपोर्ट, बाद में पॉजिटिव आ रही है, तो क्या मतलब कितने दिन जो है उसको फैलने में वायरस को पता लगने में लग जाता है रिपोर्ट के बाद? तो टाइम तो इसका 14 दिन का होता है इनक्यूबेशन पीरियड, और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री 6 घंटे की होती है। 6 घंटे से कम रहेगा तो उसका लो रिस्क में आ जाता है, और 6 घंटे से ऊपर वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में है किसी के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ तो वो हाई रिस्क में आ जाता है। अभी जो 2 पॉजिटिव जो आए हैं उनके उनके बिहाफ पर जो है टोटल और कितने लोगों के सैंपल जो लिए गए हैं और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया? अभी हमने इनके जो बेटा बहू और लड़कियां थी उनके सैंपल ले लिए हैं, जो संस्कार के टाइम आए थे उनके अभी हमने सैंपल लैब में भेज रखे हैं, हमारी शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद अगली प्रक्रिया फिर जारी की जाएगी। और उसमें जो दड़ोली वाला जो केस है उसमें किस किस के सैंपल लिए? उसमें हमने 32 लोगों के सैंपल लिए हैं,
उसमें उसके परिवार, उसके मौसी, उसके रिश्तेदार जहाँ जहाँ वो ठहरा है, जो भी कॉन्टेक्ट में आया है, एक आदमी जिसको जो उसको बैठा कर जिंदल चौक से गया था, वो हमारे अभी ट्रेस आउट नहीं हुआ है। आपके माध्यम से मैं उसको अपील करना चाहूँगा कि वो खुद ही आके हॉस्पिटल में आके अपने आप को सैंपल के लिए पेश करे, ताकि उसका फ़ायदा हो, उससे आगे कोई कम्युनिटी में ना फैले। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी सामने सुनने में आई कि जैसे जो भी सैंपल लिया गया, जैसे दड़ोली वाले मामले में हुआ, उसका सैंपल लिया गया, पर लेकिन उसको फिर घर भेज दिया गया। उसको अगर सस्पिशियस था तो उसको हॉस्पिटल में क्यों नहीं रखा गया, आइसोलेशन वार्ड में क्यों नहीं रखा गया? नहीं, घर भी हमने उसको आइसोलेट ही किया था ऊपर उसको, और नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आनी थी। अब जो है जैसे एसिम्प्टोमेटिक आने लग गए, तो हम आगे से सब जिसको भी लेके जाएंगे आइसोलेशन में ही रखेंगे, उसको रिपोर्ट आने के बाद ही फिर वापस भेजा जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा। जैसे अब इनमें हमने ऐसे ही किया कर रहे हैं, इनके सब बेटे का, लड़की का सैंपल लिया तो रात से आइसोलेशन में है। अब हम तीन और लेके गए, इनके इनकी भांजी है, इनका दामाद है, उनको हम सब आइसोलेशन में गए लेके गए हैं। उनके सैंपल लेके रिपोर्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जारी की जाएगी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, तो क्या बाद में भी सैंपल लिए जाएंगे इनके? अगर हाँ, उसके 14 दिन बाद फिर सैंपल लिए जाएंगे। एक सुनने टोटल क्वारंटाइन पीरियड 28 दिन का होता है, 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद 14 दिन हम फिर उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं, कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे, लेकिन उस दौरान भी हम उनको अपने घर में ही रहने की हिदायत करते हैं। एक चीज़ और सुनने में आ रही थी डॉक्टर साहब, जो सेक्टर 16-17 वाली जो महिला थी जो ठीक हो गई, चली गई, नेगेटिव आ गई थी, उसकी तबीयत भी कुछ ख़राब बताई जा रही थी, कहीं सुनने में आई थी इस तरीके की चीज़ें अभी 4-5 दिन पहले तक, तो क्या बाद में हिस्ट्री जानती है? हाँ, उससे हम डेली रिपोर्ट लेते हैं, डेली रिपोर्ट ली जा रही है। उसको कोई समस्या है, कोई मेडिसिन है, वो मैं भिजवाता रहूँ उनके, बस अभी मेरी बात होती रहती है डेली उनसे। तो सैंपलिंग को और बढ़ाया जा रहा है क्या शहर में? किस तरीके से सैंपलिंग हमने सभी के लिए कह रखा, जिसका मन करता है, थोड़ा लगता है मुझे खांसी जुकाम बुखार है, तो हम फ्लू के दिन सभी का सैंपल ले रहे हैं। हमारी 3 टीमें लगी हुई है, मोबाइल टीम भी लगी हुई है, और फ्लू क्लिनिक में भी ले रहे हैं, और आइसोलेशन में जिसको लेके जाते हैं उनके सभी के सैंपल कर रहे हैं। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.